दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ यूपी बोर्ड के लिए, बच्चों के लिए है ये वीडियो। तो शुरू करते हैं। पहला, जैसा कि हर वीडियो में हम शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ, तो आज का हमारा मोटिवेशन कोट क्या है दोस्तों? आज का हमारा मोटिवेशन दोस्तों कोट है कि मुश्किल ज़रूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से ज़रा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। तो इसी कोट के साथ, इसी इंथुजियाज़म के साथ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या दे रखा बच्चों कि जनमेजय का नाग यज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें बच्चों? हरिकृष्ण प्रेमी। बी आपका दे रखा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आपको हम डायरेक्ट आंसर भी बताते हैं, इससे आपका समय भी बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा कृत के लेखक हैं, तो आवारा मसीहा के कृत के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विष्णु प्रभाकर। अगला प्रश्न क्या करें बच्चों कि प्रेमचंद का उपन्यास है, तो प्रेमचंद का उपन्यास इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो गोदान है वो प्रेमचंद का उपन्यास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 क्या करें बच्चों कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण पत्र है जो उसके संपादक कौन है? इसमें बालकृष्ण भट्ट पहला दे रखा है, प्रताप नारायण मिश्र, और सी आपका दे रखा प्रेमचंद, और डी आपका दे रखा उदय शंकर भट्ट। तो खा यहाँ से ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी ब्राह्मण पत्रिका है उसके संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 क्या कह रहा है बच्चों कि पागल पथिक किस विधा की रचना है? जो पागल पथिक है वो किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है? कहानी। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो गद्य गीत है वो गद्य गीत जो है वो जो पागल पथिक है वो गद्य गीत के विधा की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 क्या कह रहा है बच्चों कि किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, किशोरीलाल गोस्वामी की कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 क्या कह रहा है बच्चों कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं वो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 क्या कह रहा है बच्चों की शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं? पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है बच्चों भारतीय हरिश्चंद, बी आपका दे रखा संपूर्णानंद, और सी आपका दे रखा मोहन राकेश, और डी आपका दे रखा बच्चों रायकृष्ण दास। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो शिक्षा का उद्देश्य के निबंध के लेखक के जो बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है आपको बच्चों? संपूर्णानंद। तो संपूर्णानंद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 क्या कह रहा है बच्चों कि कवि वचन सुधा के पत्रिका के संपादक थे या रहे हैं या हैं? तो ऑप्शन नंबर बात करें ऑप्शन नंबर ए की भारतीय हरिश्चंद, बी आपका दे रखा महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आपका दे रखा प्रताप नारायण मिश्र, और डी आपका दे रखा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कवि वचन सुधा के ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, भारतीय हरिश्चंद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है बच्चों कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं? तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन सा ऑप्शन सही होगा? बात करें ऑप्शन नंबर सी की तो सी इज द राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न थे। आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।